ये जो पानी निकल रहा है ना, जब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब अच्छे से। ये मशीन रखा हुआ है, ये 80 वाट का मशीन है और इंडिया मेड मशीन है ये। अब इससे हम दाएं बाएं करके देखते हैं। इसमें आरडी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है इस कंट्रोलर में, और ज़्यादातर मशीन में आरडी सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट करता है। तो ये सारा फंक्शन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब इस जगह से हम लेजर को ऑन करके चेक करते हैं। तो ये हमारा लेजर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं पल्स मार करके लेजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम पल्स दबाएंगे तो आप देख सकते हो उधर स्पार्क का आवाज़ आ रहा है, उधर आप सुन सकते हो स्पार्क का आवाज़ आ रहा है। तो इधर अब हम क्या करेंगे, मशीन का कैबिनेट उठाएंगे और कैबिनेट उठा करके देखेंगे शॉर्ट स्पार्क कहाँ से कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से स्पार्क कर रहा है। तो ये स्पार्क क्यों कर रहा है, क्योंकि इस जगह पे आप जब देखेंगे, इस जगह पे आप नज़दीक से जब आएंगे तो यहाँ इसका ग्लास क्रैक किया हुआ है। इस जगह पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आप शायद मोबाइल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इधर से मैं दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास जो है क्रैक कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं ट्यूब खराब होने का रीजन। तो ट्यूब खराब होने का रीजन यही है कि ये ट्यूब बहुत ही नया था, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, मशीन को तकरीबन 5-6 महीना के लिए छोड़ दिया। तो जब भी आप मशीन, आपका प्लान बनता है कि हमको 5-6 महीना के लिए बंद रखना है, तो आपको क्या करना है, ट्यूब में पानी जाता है, इस जगह से आप देख सकते हैं इस जगह से पानी जाता है और इधर से निकलता है। तो आपको पानी पूरा निकाल लेना है और हवा मार करके पूरे अच्छी तरीके से इसे ड्राई कर लेना है, पूरे अच्छी तरीके से ड्राई करके उसके बाद में रखना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए इसी तरीके से, और फिर जब बाद में आप स्टार्ट करेंगे तो इसी तरीके का प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसका खास ख्याल रखिए, जब भी मशीन आपको लंबे टाइम के लिए बंद रखना है तो ट्यूब को आपको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। उसके बाद में अब देखते हैं, ये हमारा नया ट्यूब आ चुका है और ट्यूब हमने कहाँ से मंगाया है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ट्यूब हमारा सही सलामत आया है या नहीं, क्योंकि कांच का सामान है, बहुत ही रिस्क होता है इसे मंगवाने में। तो इस जगह पे देख सकते हैं इसका पैकिंग भी बहुत अच्छा होता है, ये फॉर्म वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ था सेफ्टी के लिए। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं ट्यूब कहीं से भी डैमेज नहीं है, और ट्यूब जब भी वो भेजते हैं ना तो देखिए ये 80 वाट का ट्यूब है। इस जगह पे डेट आप देख सकते हैं 2022 डाला हुआ है, और इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है। तो इसका आप दिमाग में जरा सा भी मत रखिएगा कुछ गारंटी वारंटी, ट्यूब का कोई गारंटी वारंटी नहीं आता है। ये है हीट स्लीविंग, जो यहाँ पे हम वायर जब कनेक्ट करेंगे तो उसका यूज आएगा। तो चलिए हम इसे अब इंस्टॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन का पूरा कनेक्शन को निकाल देंगे ट्यूब इंस्टॉल करने से पहले। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं ये इसका कनेक्टर है, ये कनेक्टर यहाँ पे जॉइंट है। तो कुछ इस जगह पे हम इसे कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गया। एक इसका माइनस का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, ये माइनस का पॉइंट है, इसे भी कुछ इस जगह से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और अब ये ट्यूब को हम यहाँ से, ये पानी का कनेक्शन है, इसे भी हम निकाल देंगे अच्छी तरीके से। ये जो पानी निकल रहा है ना, जब भी आप ट्यूब मशीन को आप बंद करके रखना चाहते हैं 2 महीने के लिए, तो इस तरीके से पानी पूरा निकालना पड़ेगा आपको खोल करके इस तरीके से। उसके बाद आप मशीन को रख देंगे 2-3 महीने के लिए भी, तो ट्यूब खराब नहीं होगा। सावधानी से आपको इसे ले जाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही सावधानी से यहाँ पे लाना है और यहाँ पे ऐसे रख देना है। और पानी आप हफ्ते भर में कम से कम पानी को चेंज करते रहे तो ट्यूब का लाइफ अच्छा रहेगा। इसे हम यहाँ से इनपुट कर दिए।
ये स्लीविंग अगर आप इसे नहीं लगाते हैं और कितना भी ज्यादा ब्लैक टेप मारेंगे तो कोई काम नहीं होने वाला है आपका। तो आपको यहाँ पे ब्लैक टेप की जगह आपको ये स्लीविंग लगाना पड़ेगा। ये हिट स्लीविंग आपको 3-4 लेयर लगाना पड़ेगा, एक दो लेयर से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 12,000 वोल्ट के आसपास का करेंट यहाँ से पास होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो इसे एक एक करके हम यहाँ से पूरा पार कर लेंगे। पावर दे करके चेक करते हैं। पल्स दो, पल्स दो और लंबा लंबा दबा के रखो। तो अभी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये ट्यूब अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे स्पार्क वगैरह कुछ नहीं कर रहा है इस तरीके से, जो स्पार्क शुरू में आप देख रहे थे। तो अब सामने में हम इसका देखते हैं, सामने में लेजर आ रहा है या नहीं। तो ये सामने में देखते हैं, ये फाइबर का टुकड़ा चढ़ा करके यहाँ पे कटिंग हो पा रहा है या नहीं। और इंजन स्टार्ट, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा ट्यूब काम करने लगा। ये देखिए यहाँ पे जो डिजाइनिंग हमने पहले सेंड किया हुआ था वो कटिंग कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग पूरे अच्छी तरीके से होने लगा। तो अब बारी आता है, जब भी आप ट्यूब इंस्टॉल करते हैं तो अलाइनमेंट का चांस रहता है अलाइनमेंट खराब हो जाए, लेकिन इस मशीन में अलाइनमेंट खराब नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका मशीन में अलाइनमेंट भी अगर खराब हो गया है तो अलाइनमेंट का वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहां जा करके अलाइनमेंट का वीडियो देख सकते हैं। और इसी से रिलेटिव हम काफी सारा वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेजर का पार्ट्स कहाँ मिलता है सबसे बेस्ट प्राइस पूरे इंडिया में, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।